जनपद संभल में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक चंदौसी पहुंचे। पीएम के आह्वान पर इस समय देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के भी 75 जिलों में लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। इसी के तहत आज जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद चंदौसी पहुंचे और नगर की नवीन मंडी समिति का निरीक्षण किया। साथ ही पूरे नगर के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कहा। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लोगों से भी अपील की कि वह लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे मत जाएं और जितने बैंक एम्प्लॉई हैं इंश्योर करेंगे कि 2-2 मीटर की दूरी पर गोला बना के रखें, 1 मीटर से 2 मीटर की कम दूरी पर भीड़ लगा करके नहीं खड़ा होगा। सभी लोग उसी दूरी पर खड़े होंगे, कोई भी सामान लेते समय, सब्जी फल दूध कोई भी वस्तु लेते समय उसी दूरी पर खड़े होंगे, पैसा निकालते समय भी उसी दूरी पर खड़े होंगे, अनावश्यक रूप से कोई भीड़ लगा करके नहीं खड़ा होगा। है अभी क्षेत्र में भ्रमण सील लेकर के सभी से अपील की गई है, अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें, कोई भी सामान खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने जो भी आप बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं या सब्जी मंडी में जा रहे हैं या कोई सामान खरीदते जा रहे हैं तो अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 3 मीटर की दूरी पर रहें और अनावश्यक रूप से भीड़ मत लगाएं। किसी भी सामान की कमी नहीं है, लगातार क्षेत्र में भ्रमण सील रह करके हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि सभी लोग इसको अनुपालन करें और जितने भी लोग हैं सभी से अपील की जा रही है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने अपने घरों में रहें, हैंड वॉश करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोई भी सामान की कमी नहीं है, किसी भी बैंक में पैसे की कमी नहीं है, सभी जगह मंडी में और सभी जगह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी और लगातार हम लोग भ्रमण सील लेकर के इसको